ना चाहते हैं। आज वहां मानेसर में पंचायत हुई और बताया गया कि गो रक्षा के जो आरोपी हैं उनको समर्थन में लोग जुटे और उन्हें हिंदू गौरव बताया गया। अभी प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर 70-80% लोग अपने गोरख धंधे चला रहे हैं। देखिए जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो गोरख धंधे चला रहे हैं उन गोरख धंधों को तो बंद करिए। निश्चित रूप से हम कोई नहीं चाहते कि कोई गौरख धंधे चलाए, लेकिन मैं कहता हूँ जो वास्तविक गौरक्षक है जी। उसको आप आदमियों का भक्षक साबित करने की कोशिश करो तो ये समाज स्वीकार नहीं करेगा जी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो गौरक्षक गौरक्षा के लिए निकलता है जी। वो अपनी रातों की नींद और दिन का चैन वो अपने खूटी पर टांग करके अपनी जान हथेली में लेकर के और वो गौरक्षा के लिए निकलता है। और जो गौरक्षक है वो कानून अपने हाथ में न लेकर के पुलिस प्रशासन को साथ में, शासन को साथ में लेकर के उनका एक मददगार के रूप में साथ आगे बढ़ता है जी। आप देखिए, आपके कुछ पैनलिस्ट अभी बात करेंगे भाई गोवा की और बात करेंगे मणिपुर की, मेघालय की, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पर के एक कठोर कानून बने हुए हैं जी, हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ पर के एक कठोर सजा का भी प्रावधान है, वहां पर कानून का पालन ये लोग क्यों नहीं करते भाई? आखिरकार गौरक्षकों को निकलने की जरूरत क्यों पड़ती है जी? आखिरकार पुलिस प्रशासन शासन को गोलियां क्यों चलानी पड़ती हैं, गोलियां क्यों खानी पड़ती हैं जी? आप देखिए कि ऐसी सब स्थितियां परिस्थितियों को देखते हुए भी अगर कोई ये कहे कि गौरक्षक भक्षक है जो रक्षा के लिए निकला है, एक प्राणी की रक्षा के लिए जो व्यक्ति निकला है वो किसी दूसरे के प्राणों का रक्षा भक्षक कैसे हो सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बंसल साहब, गौरक्षा के नाम पर हत्या कर दी जाए मनुष्यों की, ये ठीक मानते हैं आप? कदापि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सोच कैसे लिया इस बात को? तो फिर यही तो हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई केवल उनके नाम पर कुछ भी चलाएंगे। और हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कानून नहीं चल रहा गौ रक्षा को लेकर। देखिए विजय जी, मैं भी ये कह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर एक कठोर कानून बनाया जी, लेकिन उस कानून का डर अभी उन अपराधियों के मन में नहीं बैठ पाया जी। यही तो कारण है जिसके कारण गौ रक्षकों को भी अपनी प्राण हाथ हथेली पे रख करके और बाहर निकलना पड़ता है और पुलिस प्रशासन शासन भी लगातार डंडे और गोलियां खा रही है जी। आप क्यों